जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। कि तुमने सही नहीं किया माम, वफा आई थी और तुमने उसे धुतकार दिया। आशा भाई, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई थी, न जाने मैंने क्या कुछ कह दिया। तुमने तुमने किसी को बताया तो नहीं वफा के बारे में? नहीं बताया। और किसी ने उसको यहाँ देखा तो नहीं? नहीं, इत्तेफाक से उस वक्त मैं यहाँ पर अकेली थी। चलो ये भी अच्छा हो। तुम्हें नहीं मालूम हम वफा ने कितने अजाब झेले हैं और अब तक मुसलसल झेल रही है। तो उन्हें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए था ना, अपनी और दूसरों की जिंदगियों को इस तरह इम्तिहान में क्यों डाला? किसी को क्या मालूम होता है कि जिंदगी क्या खेल खेलने वाली है। वफा को भी नहीं मालूम था। जब मुझे याद आता है किस तरह मैं उनकी याद में तड़पी है, मुझे वफा बाची से नफरत हो जाती। ऐसा नहीं सोचते मां, और याद रखो जब लोग अपनी जिंदगी से हार कर वापस आते हैं तो उन्हें उन्हें हार का ताना नहीं देना चाहिए। हर्ष भाई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो होना था वो तो हो गया। हर्ष भाई, अब जाइए और वफा बाजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये लड़के, अब माँ हमकी अम्मा नहीं रही है और तुम अब बगैर इजाजत और हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ नहीं आना। क्यों नहीं आ सकते हैं यहाँ? आशिर भाई मेरे सगे भाइयों से बढ़कर हैं और इन्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। लो, कर लो ठेकेदारी। बेटे, मैं सोच रहा हूं कि दानियाल से फाइनल बात करें। आप बात करेंगे? अच्छा नहीं लगेगा बाबा। बेटे ने तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्र मांगी। ये मसला एक तरफ हो जाए तो सुकून आ जाए। नहीं बाबा, आप बात मत करें, मैं खुद ही बात कर लूंगी। मंगनी तो पहले ही हो चुकी है और वो भी दानियाल के कहने पे हुई थी। बाबा, वो हम लोगों को अपना मोहसिन समझता है, शायद उसी के एहसान में हर बात मान लेता है हमारी। ये क्या बात है बेटा, उसकी तुम्हारी तरफ तवज्जो थी इसीलिए तो मैंने तुम्हारी मंगनी कर दी थी। वो बात आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। अब दानियाल मेरे बारे में क्या सोचता है, इस बात के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? सोचना क्या है, मेरी बेटी में क्या कमी है? कमी तो है ना बाबा, वो अच्छी तरह से जानता है मैं मां नहीं बन सकती। तो क्या हुआ, इंसान मोहब्बत के सहारे भी तो जिंदगी गुजार सकता है। पता नहीं बाबा, मुझे तो लगता है शायद वो इसी वजह से मेरी तरफ से ना बुझा बुझा सा रहता है। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है, तुम बात करके देखो। ठीक है बाबा, मैं बात कर लूंगी, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें अगर दानियाल शादी के लिए नहीं मानता तो आप नाराज नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे। मायूसी की बातें नहीं करते बेटा, शादी क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। Excuse me now. Thank you.
क्या देख रही हो? सोच रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? हाँ, ये मेरी फेवरेट जगह है इसलिए। शायद इसलिए कि आपके हस्बैंड को ये जगह पसंद थी। सॉरी, मुझे आपसे ये सवाल नहीं करना चाहिए। इट्स ओके, मैं जानती हूँ तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया। क्यों? क्योंकि तुम अपने हवाले से मेरे बारे में सोचते नहीं, हालांकि अब तो हम लोगों की मंगनी हो गई है। मैंने कब इस मंगनी से इनकार किया? ठीक है, इनकार नहीं किया, लेकिन कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया। मैंने जो बात अभी बोली है वो कभी ना बोली। सायरा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आजकल कुछ उलझा हुआ। दानियाल, तुम अपनी सारी उलझनें मेरे दामन में क्यों नहीं डाल देते? यही तो करता आ रहा हूँ। तो ठीक है ना, अब मुकम्मल तौर पे अपने आप को मेरे दामन में डाल दो। मुकम्मल? क्यों, कुछ हिस्सा किसी और के लिए बचा कर रखना चाहते हो? नहीं सारा, मैं अब इतना बचा ही कहा हूँ कि आपके अलावा किसी और के दामन में समा सकूं। दानियाल, बाबा चाहते हैं हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लें। अब तुम बताओ कब करनी है शादी? शादी? क्यों, क्या नहीं करनी? नहीं नहीं, जब जब आप चाहें मैं तैयार हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है। कितने दिन के लिए जा रही हो? बस 7-8 महीने। कैसे नहीं है परेशानी की बात? कभी रही हो अलग घर वालों से? तो बात हमें अलग रहने की नहीं है, बात हमारे हालात की है, और इस सफर से हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा अम्मी, ये वाली अंगूठी आप मुझे दीजिएगा। ये तो अम्मी आपके गले पड़ रही है। जब भी मुझे अम्मी पे मोहब्बत आती है तुम क्यों बीच में आ जाती हो जलने? एक्सक्यूज मी, मैं अम्मी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ी हूँ, मैं अम्मी और बाबा से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। लड़ने क्यों लग गई हो तुम दोनों? भाई, तुम दोनों मेरी प्यारी सी बच्चियां हो, मैं तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम दोनों भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती। नहीं अम्मी, जब भी मैं आपके पास आती हूँ ना, मुझे जलने की बू आना लगती है। अच्छा, जलने की बदबू तो माम से आ रही होगी। और नहीं तो किससे आ रही होगी? खुदा के लिए, क्या हो गया? अपनी अपनी तालीम मुकम्मल करो भाई, तुम दोनों की शादियां करो, सुकून से मर सकती हूँ मैं। अम्मी, क्या हो गया? अच्छा भाई, हेलो, अच्छा, नहीं मरूंगी, नहीं मरूंगी, कभी नहीं मरूंगी, कयामत तक नहीं मरूंगी, बस खुश, बस कर दो। हेलो साहब जी, मैं जैतून बात कर रही हूँ। बच्चे का क्या करना है? ठीक है साहब जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करूंगी। हाँ, लेकिन एक बात तो सुने, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, सलाम। भाई मुझसे तो रहा नहीं गया कि मेरी भांजी अकेली रह रही है। अरे बुरे वक्त की धूप में तो अपने ही ढांपते हैं। हालांकि तुम्हारी मुमानी कह रही थी कि भाई अच्छा नहीं लगता किसी और के घर में रहना, लेकिन मैंने कहा मेरी बहन की बच्ची है, सहारा देना तो हमारा ही बनता है ना।
अम्मा मेरे बारे में क्या सोचा तुमने? मैं कहाँ रहूंगा? तू अपने घर में रहेगा बेटा, लाखों रुपए का सोना पड़ा है वहाँ, तेरी शादी की सारी कीमती चीजें हैं वहाँ। पहले अपनी भांजी से तो पूछ लो, हमारा रहना यहाँ पे उसका नागावार तो नहीं गुजर रहा। कैसी बातें कर रही हो, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बहन को कि भांजी को अकेला छोड़ दिया था। मामू मुझे आपके यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं है, बस इस घर के मामलात में और मेरी जिंदगी में कोई दखल ना दे प्लीज। लो भाई लो, हम सोच रहे थे कि यतीम बच्ची की मदद हो जाएगी, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे किसी को किसी की जरूरत ही नहीं। अब्बा मैं वहाँ पे घर पे अकेला नहीं रहूंगा, यहाँ आता रहूंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं आएगा, तेरा तो इस घर से गहरा रिश्ता है। मामू मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। हाँ हाँ बेटी तू आराम कर, हम है ना इस घर की हिफाजत के लिए, हमारे होते घर पे आंच नहीं आएगी। आप लोग यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे? लो ऐसी बोल रही है जैसे हमारी गर्ज है। अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा। शायद मैं तुम्हें वफा यकीन ना दिला सकूं कि तुम्हारी वालदा के इंतकाल का मुझे बहुत अफसोस है। जाने दीजिए, जिन रिश्तों को हम निभा नहीं सके वो रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें बहुत पाबंद रखा, वो मेरी मजबूरियां थी। कुछ मजबूरियां पांव की जंजीरों के मानिंद होती हैं, आदमी को अपनी मर्जी से चलने भी नहीं देती। जैतून, जैतून। जी साहब जी। अब हमारे दरमियान जो आखिरी दीवार है उसे भी गिरा दो ताकि हमारा हर इख्तलाफ खत्म हो जाए। बच्चे को जैतून के हवाले कर दो। बच्चे को जैतून के हवाले कर दो। प्लीज ये लो, इसमें इसके गर्म कपड़े हैं, सर्दियां है ना, ये भी बता देना कि रात में बार बार उठता है, हल्की सी खांसी है।
तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो एहसान है तुम्हारा मुझ पर। एहसान? कौन सा एहसान? औलाद तो आप ही की थी ना, मैंने तो बस जन्म दिया था उसे। क्यों इतनी मोहब्बत हो गई मुझे? आपके अम्मा अब्बा बाजार गए हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। कमाल करती हो, दरवाजे से वापस ढकेल रही हो। तुम्हारे मामूजात भाइयों को गैर थोड़ी हूँ। देखिए सफदर भाई, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे जायदाद वगैरह की तो बात मत करिएगा। जायदाद? हमारे पास जायदाद कम है क्या? चार तो प्लॉट है मेरे नाम पे, 240 गज के बड़ा मकान है, कारखाना है, कंगला नहीं हूँ बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? और क्या कहूँ। खैर छोड़ें, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बात कर रही हो। डब्बा खोले बगैर बता सकता हूँ घी चर्बी वाला या बगैर चर्बी का? क्या मतलब? एक बात बता दूं, तुम मेरे चक्कर में ना रहना, मैं तो वफा पर लट्टू हूँ, तुम्हारा तो मेरा भेजा ही नहीं मिलता। तो फिर मामू मुमानी? अरे उनको छोड़ो, वो तो इस चक्कर में तुम्हारा मेरा निकाह हो जाए, लेकिन मैं वफा के अलावा किसी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे कसम से। ओ अच्छा, तो अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है। क्या करना है? आने दे आज वफा बाजी, मैं आपके रिश्ते के लिए उनसे फाइट करूंगी। तो फाइट भी करना? अली समझाना, अकल की बात है, समझ में आ जाएगी। आप फिक्र ना करें, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? पापा जी को ना उद्धार किस्म के लोग पसंद है। जब वो ये देखेंगे कि उनके सास ससुर पहले से उनके मैके में रह रहे हैं और होने वाले खाविन भी घर के चक्कर लगाता रहता है, वो रिश्ते से इनकार कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करें, आप अपने अम्मा बाबा को यहाँ नहीं सोचिए, आपका रिश्ता करवाना मेरी जिम्मेदारी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। बस मैंने कह दिया है, आदमी की भी कोई इज्जत होती है। बस क्या हो गया तुझे, तो हाथों से निकला जा रहा है। तुझे नजर लग गई है, तू अच्छा भी तो लग रहा है कमबख्त आजकल। अम्मा कह दिया मैंने, खुददारी से जीना सीखो, कब तक दूसरों के दरवाजे के सामने पड़े रहोगे? अबे वाकई तू तो बहुत ऊंचा चल रहा भाई, जब सारा काम होने वाला है अपना, तब तू मैदान छोड़कर रेस हो रहा। एक बात सुन लो अब्बा, अम्मा वफा इतना आराम से हाथ में नहीं आएगी, खुददार चुड़िया है, पिंजरे में बंद नहीं होगी। लो भाई, अपनी किश्ती में छेद हो गया तो किश्ती क्या हाथ पार लगेगी? क्या सोच रहे हो आप लोग, वफा इसी वजह से कट ली है, अब मां पे डोल डाल दिया है, क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? अबे देख, वफा तो काफी अरसे से निकली हुई है सैर सपाटे के लिए, पता नहीं अब तक किसी से नैन मटक का हो गया उसका। क्या पता नहीं, 100% हो गया होगा। लेकिन माँ हम घर पे है और दोनों बहनों में बड़ा फर्क है, इसलिए वफा को रास्ते से हटा और आप पकड़ माँ को। माम को बहन कहते हो अब्बा? सुन, शादी से पहले मामूजा चचाजा सब भाई बहन होते, शादी जैसी होती है ना सब कुछ खत्म। सब खत्म हो जाता है। अम्मा क्या कहना चाह रही हो, पहले आके बुझवा रही हो? अबे चलिए, इतनी सी बात तेरी खोपड़ी में नहीं आ रही, वफा के रास्ते से हट जाने के बाद सारी दौलत हो जाएगी माम की और माम हो जाएगी तेरी, औरत भी घर में और सारी दौलत भी घर में, कैसी रही? ठीक है, जो सोचना सोचो, मैं कौन सा मजनू की तरह प्यार करता हूँ वफा से। ये हुई ना मर्दों वाली बात।
सुनो, तुम वफा की मुलाजमा हो ना? हाँ, क्यों, क्या बात है? वफा कैसी है और इसका बच्चा कहाँ है? बच्चा? मुझे क्या पता, मैंने वफा साहिबा के पास से काम छोड़ दिया है। और इसके बच्चे का क्या हुआ? मालूम नहीं मुझे, मैं बहुत दिनों से उनका काम नहीं कर रही। वालेकुम सलाम। देखिए खान साहब, अभी यहाँ से एक औरत अंदर गई है। दरअसल वो मार्केट में सामान लेने आई थी, अपने पैसे भूल आई है वहाँ। मैं वो वापस करने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ खान साहब। अच्छा, वो नया लोग आया है? जी जी वही। क्या बता सकते हैं उनका फ्लैट नंबर क्या है? हाँ, उनका फ्लैट नंबर है 505 और 5th फ्लोर। अब अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, क्या ये? मैंने कुछ मुख्तलिफ रंग के धागे मंगवाए थे, कुछ कमीज़ें उधर गई थी, उन्हें ठीक करना था। वफा की मुलाजमा ने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि वफा ने मुझसे खुद कहा था कि वो अपने बच्चे को मेरे पास भेज देगी। क्या दानियाल ने उस बच्चे को कबूल कर लिया?
वफा ने कोई रब्ता क्यों नहीं किया अब तक बच्चे के हवाले से? वो मैं मार्केट गई थी ना, तो मुझे वो आशिर साहब मिले थे। आशिर? फिर क्या हुआ? मुझे आपसे मिलना चाह रहे थे, पता पूछ रहे थे, लेकिन साहब जी की डर की वजह से मैंने कुछ नहीं बताया। वो तो तुमने ठीक किया, लेकिन बच्चे के बारे में पूछा, क्या कहा उन्होंने? पूछा था, बताया था उन्होंने, वो उन्होंने अपने घर भेज दिया दूसरे शहर अपने माँ बाप के पास। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा सही हाथ में है। बेगम साहिबा, आप आशिर साहब से कभी नहीं मिलिएगा, साहब जी को मालूम हुआ ना तो शक करेंगे। सैतून, मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ, हद में रहा करो, इतना मत बोला करो। आपको नहीं पता बेगम साहिबा, मर्द बहुत शकी होते हैं, अगर साहब को पता चल गया ना कि बच्चा आशिर साहब के पास है तो वो उसे छीन कर किसी और को दे देंगे। फिक्र मत करो, मैं आशिर से नहीं मिलना चाहती, मुझे सिर्फ अपने बच्चे की परवाह है। तुम भी साहब को कुछ मत बताना कि बच्चा किसे दिया है, ठीक है? समझ गई, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ, माँ का दुख समझती हूँ। जैतून ने बच्चे को कहाँ गायब किया होगा? या तो उसने बच्चे को कहीं बेच दिया है, या फिर अपने किसी अजीज को दे दिया है। लेकिन वफा क्या कर सकती है, वो तो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती, सब कुछ दानियाल के इल्म में आ जाएगा। जैतून बहुत चालाक औरत है, उसने वफा की कमजोरी समझ ली है, वो जानती है, समझती है कि वफा कुछ नहीं कर सकती। मुझे ही कुछ सोचना होगा, वरना वफा तो अपने बच्चे के गम में ही मर जाएगी। सारे मसाइल वफा के डर की वजह से, वो दानियाल के खौफ से बाहर ही नहीं आ पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दानियाल ने ही बच्चे को किसी और को दिलवा दिया हो ताकि वफा को शक ना हो। जैतून? जी बेगम साहब। वो मेरे बगैर रोता तो नहीं है? इतने छोटे बच्चे को क्या पता कि माँ कौन है, जो दूध पिलाए उसे ही माँ समझ जाते हैं। मुझे तो पल का भी करार नहीं है बेगम साहिबा, जिन माओ के बच्चे मर जाते हैं उन्हें भी तो चैन आ जाता है ना। अल्लाह उसे सलामत रखे, मेरी उम्र भी उसे लग जाए। अच्छा सुनो जैतू, वो नंबर जो मैंने दिया था वो है तुम्हारे पास? कौन सा नंबर जी? अरे जहां तुमने बच्चे को दिया है वो नंबर? वो नंबर वो तो साहब जी के डर से मैंने फाड़ के फेंक दिया था, उसके बाद तो मेरे पास कोई नंबर शंबर नहीं है जी। आशिर भाई, अब आप जल्द से जल्द किसी भी तरह वफाबाजी से मिले और इस घर का बंटवारा करवा दें। क्यों? ये मकान तो तुम्हारे अम्मी और अब्बू की यादगार है, जिसको बचाने के लिए वफा ने इतनी कुर्बानी दी है। अब ना बाबा है और ना अम्मी, वफाबाजी को जो करना था उन्होंने कर लिया, अब इस मकान को बिक जाना चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए इस मकान से। लेकिन वफा क्या राजी हो गई है इसको बेचने पर? उन्हें राजी होना होगा, मैं अपने हिस्से के पैसों से एक छोटा मोटा सा फ्लैट लूंगी और उमैया के साथ जिंदगी गुजारूंगी। तुम्हारे पास कागजात हैं इस मकान के? हाँ मेरे पास है। कर्ज के बाद इस मकान की कानूनी हैसियत क्या है मुझे नहीं मालूम, आप प्लीज मालूम करें। आ गए आज
कुछ दिन पहले तो मिलके गए थे। जब हम यहाँ ना हुआ करें तो घर में मत आया करो, कितनी बार गए। देखिए ममानी साहिबा, इन दिनों वफा और महाम की जायदाद का मसला चल रहा है और मैं इस केस में गवाह। और वैसे भी महाम मेरी छोटी बहनों की तरह है, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। ममानी, आपको पहले भी समझाया, मेरी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी ना करें। लो भैया, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं यहाँ आता रहूंगा ममानी साहिबा, जब तक ये केस हल नहीं हो जाता। आप इसमें मुदाखलत मत कीजिए वरना कानूनी गिरफ्त में आ जाएंगी। और हाँ माम, मैं केस की नौइयत देखता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। नहीं हाशिर, मुझे महाम की जायदाद से कोई मतलब नहीं है, वो बिकती है या नहीं बिकती। लेकिन उमेर, वो मकान वफा और महाम का हक है उनके वालिदैन की तरफ से। तो क्या मैं अब इस मकान के बिकने का इंतजार करूं? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल अगर वफा और महाम वो मकान इस तरह से छोड़ देंगी तो उनके मामू और ममानी मकान पर काबिज हो जाएंगे, उन्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो महाम और उनकी बड़ी बहन को मिलकर करना है ना, वो तो यहाँ है नहीं, फिर कैसे ये मसला हल होगा? मैं वफा से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारे इल्म में भी ले आया हूँ, क्योंकि अब ये बंटवारा माम चाहती है, उसे अपना हिस्सा चाहिए। ये अम्मा और अब्बा भी वहां जाकर बैठ गए, रोटियां तोड़ने में लगे हुए, मेरी कोई फिक्र ही नहीं। कल तक वफा से शादी कर रहे थे, अब माम से तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे खोटा सिक्का चला रहे। ऐसा कोई करता है अपनी औलाद के साथ? तीन सफेद बाल फूट चुके हैं सर में, लेकिन फिक्र ही नहीं। आज आने दो माँ बाप को, बैठकर दो टूक बात करूंगा। तेरी वजह से वहां पड़े हैं, तू हमें ही टाप रहा। अब पहले कह रहे थे वफा से शादी कर लो, अब माम के चक्कर में पड़े हो। मेरी भी कोई पसंद है या नहीं है? मेरे लाल, मुफ्त में दौलत तेरे हाथ लग रही है, तेरे मुस्तकबिल के लिए उस दर पे पड़े हुए हम लोग। भाई इतना पैसा तो है हमारे पास, करोड़ों का मकान है, समझ में आधा तेरे नाम है। लड़की पूरी भी मिल जाए तो बेकार, मकान आधा भी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। भाई एक बात साफ साफ बता दूं, माम पसंद नहीं मुझे, बहुत तेज लड़की है, कान के दर्द देगी मेरे। मर्दपन, लड़की से डर रहा है? देख बेटा, तेरा अब्बा सही कह रहा है, कान का कच्चा ना बन, दुआएं देगा हम माँ बाप को, समझे? वफा, इन दिनों मैं कारोबारी मामलात में उलझा हुआ हूँ, तो आने जाने में तेज सवेर होगी, तुम परेशान ना होना। मैं पहले भी तन्हा रह रही थी, बच्चे के बाद और भी तन्हा हो गई। मुझे एहसास है तुम्हारा, लेकिन कुछ दिन तुम्हें और बर्दाश्त करने। उसके बाद क्या हम दुनिया के सामने आ जाएंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद एक दोराहे पर खड़ा हूँ। दोराहे पर? कैसा दोराहा? तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।